बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं, ये क्वैकर का दलिया होता है, तो ये गोश्त में बनता है। ये सऊदीया में तो शोरबे के नाम से पहचाना जाता है, आप इसको सूप कह लें, गोश्त का सूप कह लें, बहुत ताकतवर चीज़ है। चले आज ये बनाते हैं। इसके लिए चाहिए मीडियम साइज़ का, अगर छोटा प्याज हो तो एक बहुत है, मेरे पास बड़ा था, आधा प्याज है, एक छोटा टमाटर है और एक टी स्पून लहसुन का, ऑयल आधा कप, टमाटो प्यूरी है एक चम्मच, ज़ीरा है एक टीस्पून, हल्दी है, लाल मिर्च है, नमक, सूखा धनिया और ये क्रैकर जो दलिया है इसके 12 से 13 चम्मच है, यानी एक प्याली के करीब बनता है। और ये एक पाव गोश्त होगा, इसमें ज़्यादा गोश्त नहीं जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सबसे पहले ऑयल जाएगा इसमें, अब प्याज जाएगा इसमें, प्याज को बस पिंक ही करना और साथ इसमें गोश्त डाल देना। चलिए इतना पिंक सा ज़रा प्याज हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो, साथ इसमें गोश्त डाल देंगे। साथ ही ये लहसुन डाल देंगे, गोश्त के प्याज के साथ थोड़ा भुने या प्याज का गोश्त का कलर चेंज हो जाए, तो प्याज भी ब्राउन हो गया, गोश्त भी भुना गया। अब इसमें जीरा डाल देंगे, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया और नमक, ये टमाटर की प्यूरी, ये टमाटर था वो हमने पीस लिया, चॉपर से चॉप कर लिया इसको, अब ये दलिया चला जाएगा इसमें, और इसमें अब एक से दो जग पानी के जाएंगे। इसमें दो जग पानी डाल दिया, अब जब बॉयल होगा तो इसको बॉयल होने तक तेज़ आग तक रखें, फिर जब ये बॉयल हो जाए तो इसको आग हल्की कर दें और 2 से 3 घंटे ये पकेगा। ये देखें पकने पे आ गया, अब इसकी आग हल्की कर देंगे चूल्हे की और इसको हल्की आग पे पकने देंगे। बिस्मिल्लाह, ये 1 घंटा हो गया इसको पकते हुए, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते जाएं, यानी आधे घंटे बाद देख लें, अगर तो आपको गाढ़ा लगे तो इसमें पानी और डाल दें, मगर अब ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए अभी ऐसा दानादार निकलेगा, जैसे यखनी पकती है ना, ये यखनी के साथ ये दलिया पकेगा, यकीन जाने ये बहुत ताकतवर और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारे घर रमज़ान में तो इसी से रोज़ा खोला जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, बहुत ताकतवर चीज़ है, बीमारों के लिए, बूढ़ों के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अभी इसको और देखिए, इसका दाना दलिये का ख़त्म हो गया, गोश्त भी बस गलने वाला ही गल गया हुआ, थोड़ा सा आधा घंटा और पकेगा और रेडी हो जाएगा। इसको लेमन के साथ, और हम लोग तो चाट मसाले के साथ खाते हैं, ऊपर इसके कर लेते हैं, सऊदी लोग ऊपर हॉट सॉस जो होती है वो डाल लेते हैं, कुछ वैसे ही सादा खा लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप काली मिर्च वगैरह डाल लेंगे, डालनी है तो। ये देखिए गोश्त भी गल गया इसका,
भी हमारी अफ्तारी में है थोड़ा टाइम, ये और 15-20 मिनट पक जाएगा उतनी देर में। चलें इंशाल्लाह 15 मिनट बाद देखते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा हो गया गोश्त वाला दलिया, देखें सूप जैसा हो गया। आप कॉर्नफ्लोर डाल के करते हैं सूप को गाढ़ा, ये वैसे ही हो गया। चलिए अब इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूप हमारा रेडी हो गया।